Now moving forward, तो इसे मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले इसे कॉपी करोगे और फिर अटेम्प्ट करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, तब तक आप इसे ट्राई करके जरूर रखोगे, ठीक है? Now moving forward, अब हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन इन सम मैनर, टेकन इन सम मैनर। जर्नी जो सारे ऑर्डर पे लिखने हैं, अब किसी गिवन कंडीशन के बेसिस पर जो ऑर्डर पेयर क्रिएट होगा उसका कलेक्शन रिलेशन कहलाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज 4 5 6 7, ठीक है? अब आपसे कहा फाइंड आर सच दैट ए एंड बी Both should be even. तो आप बता सकते हो यहां पर किस तरह से रिलेशन कंस्ट्रक्ट होगा। तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट भी इवन चाहिए, सेकेंड एलिमेंट भी इवन चाहिए ए क्रॉस बी में। तो सीधे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहां से सिर्फ 2 और 4 को पार्टिसिपेट कराएंगे, और यहां किसे पार्टिसिपेट कराएंगे, 4 और 6 को पार्टिसिपेट कराएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आया, 2 4 2 6, देन 4 4 एंड 4 6, ये मेरा रिलेशन बन गया। इस तरह से एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा आपको दिया जा रहा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, रिलेशन होता क्या है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट। तो रिलेशन को हम लोग मैपिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैपिंग क्या होता है? तो व्हाट इज मैपिंग? तो मैपिंग इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट रिलेशन। एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैपिंग। तो अगर मैं बात करूं यहां मैपिंग, इट इज वे टू रिप्रेजेंट It is way to represent a relation. एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैपिंग। तो प्रीवियस एग्जाम्पल को ही मैप के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लो यहां पर मैंने अभी क्या लिया था, सेट ए एंड सेट बी, और यहां लिया था 1 2 3 4, यहां लिया था मैंने 4 5 6 7। तो मैंने यहां पार्टिसिपेट कराया था 2 एंड 4 को, तो 2 related with 4, 2 related with 6, 4 related with 4, 4 related with 6। इस तरह के एरो डायग्राम को हम लोग मैपिंग कहते हैं। क्लियर है? तो इस अब यहां से इसको तुम्हें विजुलाइज करने में हेल्प मिलेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 4 2 6 4 4 and 4 6। क्लियर है यहां तक? अब इसमें आता है अगला बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन? तो देखो, रिलेशन क्रिएट करने में सेट ए का जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किया उसके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं पहले फॉर्मली, इट इज collection of first element of ordered pair or elements of set A which takes parts in
relation, which takes parts in relation. इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अब यहां डोमेन क्या काउंट होगा? तो डोमेन विल बी 2 and 4. क्लियर है यहां तक? अब हम आएंगे यहां पर नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन. रेंज ऑफ द रिलेशन, तो देखो रेंज ऑफ रिलेशन इसे कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी एलिमेंट्स विच टेक्स पार्ट इन एसोसिएशन या रिलेशन. इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट टेक्स पार्ट इन रिलेशन. मतलब रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर अभी बना है, इसमें सेट बी का जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किया उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? रेंज. तो यहां पर रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होगा? दैट इज 4 and 6. तो डोमेन क्या होता है ये क्लियर हो गया, रेंज क्या होता है ये क्लियर हो गया यहां तक. अब हम लोग आएंगे कोडोमेन. नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. कोडोमेन दिस इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स. इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी या सेकेंड सेट. All elements of set B or second set which may or may not take parts in relation, which may or may not takes parts in relation. तो देखो set B के हर एक element को यहां पर codomain बोलेंगे, भले ये रिलेशन बनाने में पार्टिसिपेट करा हो या नहीं करा हो. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पर व्हाट इज योर कोडोमेन? तो कोडोमेन क्या होगा? तो सेट बी के हर एक एलिमेंट को लिख दो, तो 4, 5, 6 and 7. क्लियर है यहां तक? तो देखो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, इससे ये कंक्लूजन निकल के आया, जो इन जनरल रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा. मान लो अगर इसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर जाते, इस केस में रेंज कोडोमेन से कॉन्साइड कर जाता, अदरवाइज ये इसका प्रॉपर सबसेट है. क्लियर है यहां तक? या तुम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में एग्जांपल देना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हो. 1-1, 1-1, 0, 0, 8 बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. तो ग्राफिकली कैसे टेस्ट करेंगे? तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वन में ही रिलेशन है कि नहीं, तो क्लियरली एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई लिखना चाहिए. तो क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल. जैसे मान लो ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ग्राफ होगा, होगा कोई, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो मैं मालूम है एक्स इक्वल्स टू के, अगर कोई कांस्टेंट है तो ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखो इस एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई दिख रहा है, वाई वन वाई टू वाई थ्री. So this is one mini relation. This is one mini relation. तो आप लोग एक दो एग्जाम्पल सोचिए बताओ. तो क्या मैं x equals to 10, अगर मैं सिर्फ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं, तो इज दिस वन मिनी रिलेशन? इज दिस वन मिनी रिलेशन?
इज ऑफ कोर्स क्योंकि x इक्वल्स टू 10 है तो पूरा का पूरा y एक्सिस हम इससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने पैराबोला का नाम सुना होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं, ठीक है, तो क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वन के रिलेशन है? बताओ। ऑफ कोर्स जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ किया तो इस एक्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वाई दिख रहा है। तब किसी ने पूछा जो अगर आपने लाइन इधर से ड्रॉ किया तो ये लाइन तो ऑफ कोर्स इसके डोमेन में है नहीं, और अगर किसी ने ऐसा कहा तो कोई भी एक लाइन अगर पूरे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया कोई भी एक्स तो वो टोटलिटी में वन वे इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया, ये तो देखो ये लाइन को एक पॉइंट पे कट किया, ये लाइन इस ग्राफ को मान लो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, टोटलिटी में ये क्या कहलाएगा? टोटलिटी में ये वन वे इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे वो मॉड करते हैं, थर्ड रिलेशन क्या होगा? अब आता है मेनी वन रिलेशन। थर्ड वन इज मेनी वन रिलेशन, MOR, मेनी वन रिलेशन। देखो नाम से क्लियरली पता चल जा रहा है यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनी वन रिलेशन। मतलब सेट ए का एलिमेंट जो है वो सेट बी से एक को रिलेट होना चाहिए और मोर देन वन एक्स रिलेटेड विद सेम वाई। मैं आपके थ्रू हम ये कहना चाह रहा हूं, से दिस इज बी एंड बी, दिस वन इज 1 2 3 4 एंड दिस इज ए बी सी एंड डी, मोर देन वन एक्स रिलेटेड विद सेम वाई। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड मेनी वन रिलेशन। मेनी वन रिलेशन एक बार मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले लो। मेनी वन रिलेशन का मैंने पूछा y equals to f x equals to sin x, is this relation मेनी वन? Of course, एक से ज्यादा x के लिए तो ये सेम y मिलेगा। तो इसका ग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट क्या है? ग्राफिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो गिवन मैथमेटिकल रिलेशन इज मेनी वन रिलेशन और नॉट? तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ग्राफ शुड कट एट मोर देन वन पॉइंट। ग्राफ शुड कट एट मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ कट करना चाहिए। तो जैसे तुम साइन का एक ग्राफ देखो तो साइन एक्स का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है? तो साइन एक्स का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ -1 से 1 में ऑसिलेट करेगा इस तरह से 0 π/2 π/3। जैसे ही आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो देखो ये लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मोर देन वन एक्स के लिए तुम्हें सेम वाई मिल रहा है। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड मेनी वन रिलेशन, ठीक है। देखा 1-to-1 रिलेशन, वन मेनी, मेनी वन। नाउ नेक्स्ट वन इज मेनी मेनी रिलेशन। मेनी मेनी रिलेशन देखो नाम से क्लियरली पता चल रहा है जो मेनी एक्स रिलेटेड विद मेनी वाई, मेनी एक्स रिलेटेड विद मेनी वाई। मैप के थ्रू
आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इसे? तो से दिस इज एबीसी, दिस इज 1 2 3, मेनी एक्स रिलेटेड विद मेनी वाई, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन. या इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से वन मेनी रिलेशन प्लस मेनी वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन इज इक्वल्स टू मेनी मेनी रिलेशन. मेनी मेनी रिलेशन मीन्स एक ऐसा रिलेशन जो साइमल्टेनियसली वन मेनी होल्ड कर रहा है और मेनी वन डी होल्ड कर रहा है, वो टोटलिटी में क्या होगा? मेनी मेनी रिलेशन होगा. तो मैथमेटिकल एग्जांपल से लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, क्या ये मेनी मेनी रिलेशन है? तो देखो ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का सेंटर लाइन है ऑरिजिन. देखो इस लाइन के लिए, इस एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई मिल रहा है और इस वाई के लिए एक से ज्यादा एक्स मिल रहा है, मतलब ये वन मेनी और मेनी वन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है. इसे टोटलिटी में हम क्या बोलेंगे? मेनी मेनी रिलेशन. मींस ग्राफिकल टेस्टिंग क्या होगा इसका? ग्राफिकली ग्राफिकली अब यहां पर तुम्हें पेयर ऑफ लाइंस लेना पड़ेगा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस. ड्रॉ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अनदर parallel to y-axis, and for each line, and for each line graph should cut at more than one point. तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड मेनी मेनी रिलेशन. तो ये क्लासिफिकेशन था रिगार्डिंग रिलेशन. क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं प्रॉब्लम्स. तो आप लोग पहले इसको एडिट करोगे, फिर इसका आंसर्स मैच कराओगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो. वाई इक्वल्स टू एम, एक्स इक्वल्स टू एम, एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिल द ब्लैंक्स इन टर्म्स ऑफ इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स. सच दैट एम बिलोंग्स टू, यहां पर तुम्हें घड़ना है इवन होना चाहिए कि ऑड होना चाहिए. सच दैट इट बिकम्स वन वन रिलेशन. एम बिलोंग्स टू इट बिकम्स वन मेनी रिलेशन.
तो देखो तो तुम लोग पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद अपने सॉल्यूशंस में यहां मैच कराओगे। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो आई होप तुम लोगों का आंसर आ गया होगा, तो स्प्रेड करते हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, इसमें वाई रेशियो का पावर है, एम एक्स रेशियो का पावर है, एंड एम और एन दोनों नेचुरल नंबर है। कह रहा है इस मैथमेटिकल रिलेशन में एम और एन इवन और ऑड नेचुरल नंबर के टर्म्स में डेफिनेट है। तो एम और एन यहां पर क्या फिल अप करें ताकि ये वन टू वन रिलेशन बन जाए, ठीक है? तो पहले का आंसर यहां दोनों ऑर्डर जैसे देखो, यहां पर मान लो मैंने m और n 1 to 1 रखा कि y goes to x 1 to 1 रिलेशन है, या फिर y goes to x cube इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये भी 1 to 1 रिलेशन, ठीक है? वन वे रिलेशन क्या चाहिए? वन वे की, वन वे की तुम्हें मालूम है 1x रिलेटेड विद मेरी y, तो ये इवन होना चाहिए क्या आना चाहिए और आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए दोनों इवन इवन आना चाहिए, ठीक है? एम और एन मेरी वन के लिए क्या होना चाहिए, मेरी वन के लिए ये इवन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए और होना चाहिए, ठीक है? तुम इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर वाई या x square equals 2y, clear है यार? अब देखो second question का answer आ चुका है। देखो second question में क्या कह रहा है, second question कह रहा है x square plus y square equals to 1 है and y greater than x है। अब तुम्हें बताना है इस condition के basis पर ये mathematical expression किस relation को belong करता है, ठीक है? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये एक सर्कल है, y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अब मुझे y ग्रेटर देन x चाहिए, मींस वो पोर्शन जो जहां पर y से ज्यादा है, इसका मतलब इसे मैं अगर हाईलाइट करूं तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा। अब आप बता सकते हो ये किस रिलेशन को बिलोंग करेगा? तो देखो यहां पर ये मिनिमम दिख रहा है, इस लाइन के लिए ये वन में नहीं दिख रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी वन एंड वन में, ये टोटली टी में क्या कहलाएगा? मेनी में। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा जो इसमें तो कोई ऐसा लाइन है जिसको एक ही जगह तो कट कर रहा है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो टोटलिटी में वो फेल हो जाता है। जैसे देखो यहां पर ये मान लो कोई मैथमेटिकल रिलेशन का ग्राफ होगा, किसी फंक्शन का ग्राफ या रिलेशन, तो यहां पर ये लाइन इसको कट नहीं कर रहा, ये लाइन एक जगह कट कर रहा है और ये लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इसको एक ही जगह कट कर रहा है, ये इसको कट नहीं कर रहा और ये इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो टोटलिटी में ये क्या कह रहा है? टोटलिटी में ये कह रहा है मिनी मेनी वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन मतलब एक भी लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो टोटलिटी में वो ये कहलाएगा, मतलब एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो वो फेल हो जाएगा सिचुएशन। तो हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि वन वन है या मेनी वन है, ठीक है? टोटलिटी में यहां पर क्या दिख रहा है, तो देखो ये
लाइन इसको कटने किया, ये लाइन एक पॉइंट पे कट किया और ये लाइन इसको दो पॉइंट पे कट किया, ये फाइनली क्या होगा, वन मेनी वन रिलेशन। क्लियर है यहां तक? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। A plus B equals to
क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्शन है? तो तुम्हारा आंसर यहां पे क्या है? नो. क्यों? क्योंकि देखो a प्लस के, ठीक है, तो अगर मैंने इसके रेफरेंस में अगर बात किया, मैंने 1, 2, 3, ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो क्या इन सबका सम हर एक बार 5 आएगा? नहीं आ रहा. ये क्या होगा? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, दूसरा मान लो लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया इज लेस देन, इज लेस देन, बस से पैसा लिख दिया, तो कह रहा है इज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो मान लो कोई भी सेट था, तो ए कोई एलिमेंट तो होगा उस सेट का, तो सवाल उठता है ए ए पेयर सैटिस्फाई करना चाहिए इसे, ठीक है, ए ए पेयर सैटिस्फाई करना चाहिए इसे. तो कोई भी नंबर क्या खुद से छोटा होगा? इफ ए स्मॉलर देन ए, देन दिस ऑलवेज ट्रू? नो, ये तो इनवैलिड है. इसका मतलब क्या हो गया यहां पर? दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो अपने इस पे दो एग्जांपल और देखते हैं. तो लास्ट वीडियो में तुम्हें क्या नहीं करता, जो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? सर अगर ए नॉन एम्प्टी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए पेयर पक्का एवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे रिलेट होने वाला हर एक एलिमेंट एक बार खुद को रिलेट जरूर करेगा. तो जैसे मान लो मैंने सेट ए लिया 1, 2, 3, इस पे मैंने एक रिलेशन लिखा आर, अब बताओ कि यदि इस रिलेशन रिफ्लेक्शन, तो 1, 2, 3 पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 पक्का एवेलेबल होना चाहिए. तो क्या यहां पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिख रहा है? 1, 1, 2, 2 तो है लेकिन 3, 3 नहीं है. दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब इसे मान लो इस तरह से स्टेटमेंट में दे दिया रिलेशन, जो सेट ऑफ लाइंस है, तो दो लाइन लिया और बोला L1 इज पैरेलल टू L2. अब तुमको बताना है इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव. L1 L2 का मतलब एक बार L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L1, तो हर एक लाइन को उनके पैरेलल होता है. इसका मतलब इफ L1 इज पैरेलल टू L2, दिस इंप्लाइज L मस्ट बी पैरेलल टू L, मतलब हर एक लाइन खुद के पैरेलल होता है. इसका मतलब यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने पहला टाइप सीखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है. अब और यहां पर दूसरा सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप हम लोग सीखेंगे इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है. इरिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, इसको फॉर्मूले डिफाइन कर लेते हैं. नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है. अब देखो इसमें एक जनरली बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव डजंट मीन, नॉट रिफ्लेक्सिव डजंट मीन इरिफ्लेक्सिव. इसका ये मतलब नहीं होता है जो इरिफ्लेक्सिव है या नॉट रिफ्लेक्सिव को इरिफ्लेक्सिव बोलने के, नहीं, ये बिल्कुल गलत है. इरिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होगा? जो ए ए पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बाकी कुछ रहे या ना रहे, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल सेट ए मैंने लिया 1, 2, 3, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने
3, 1, 1, 3, 2, 1. फिर मैंने दूसरा रिलेशन लिखा यार इसी ऑर्डर पेयर के बेसिस पर यार से 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 then 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Sure, ये रिलेशन इरिफ्लेक्सिबल है ऑफ कोर्स है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 कहीं नहीं लिखना चाहिए. ये रिलेशन रिलेशन इरिफ्लेक्सिबल तो नहीं. दिस ऑर्डर इज नॉट इरिफ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये क्या दिख रहा है? ये रिफ्लेक्सिबल है बट इरिफ्लेक्सिबल रिलेशन नहीं है. R3 में R3 is also not irreflexive. क्यों? क्योंकि इतना 3-3 वाला ऑर्डर पेयर देख के आ गया, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. irreflexive रिलेशन क्या होता है? क्लियर हो गया? और ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि नॉट रिफ्लेक्सिव इज इरिफ्लेक्सिव. नॉट रिफ्लेक्सिव डजंट मीन इरिफ्लेक्सिव. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, now come to next type of relation. इट मीन्स
this relation is symmetric relation. R3, third relation देखो यार. अब इसका वीडियो वॉच करो और इसका आंसर खुद से लेने की कोशिश करो. ठीक है, इसमें अगर तुम लोग का आंसर आ गया हो तो देखो यार, 1 2 अवेलेबल है, 2 1 है, मतलब इसको फ्लिप करने पे ये दिख रहा है. 1 3 अवेलेबल है, इसको फ्लिप करो, 3 1 दिख रहा है. इसका मतलब ए भी अगर पार्टिसिपेट किया है तो बी ए प्लेयर दिख रहा है. इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. फोर्थ वन, इसका आंसर फिर बताओ. 1 2 2 1 1 3 1 1, इसको फ्लिप करोगे तो वापस से ही आ जाएगा, तो इसको दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन है. क्लियर है?